नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आप जो नज़ारा देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के झांसी का नज़ारा है, झांसी महोत्सव का। और झांसी महोत्सव पर परमात्मा ने कहर बनकर पानी का जो जलवा देख रहे हैं, काफ़ी ठीक ठाक पानी बरस रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, परमात्मा ने महोत्सव पर ऐसी मार दी है कि लोग बाग अब घर से निकलना मुश्किल हो गया है। और साथ साथ में ओमिक्रॉन की जो केस मिल रहे हैं, दस्तक हो चुकी है ओमिक्रॉन की। लोग बागों को खूब समझा रहा था महोत्सव का प्रशासन और जिला प्रशासन कि मास्क लगाकर निकलिए, परहेज से चलिए। लोग बाग लापरवाही बरत रहे थे तो परमात्मा ने भी सोचा कि ऐसे नहीं मानेंगे, थोड़ी बारिश कर देते हैं तो अपने आप घर में रहेंगे लोग बाग। जैसा कि आप देख रहे हैं लाइट में पानी बरस रहा है इस समय। ये झांसी महोत्सव का नज़ारा है जो आप देख रहे हैं मार्केट संवाद पर। और आप सबके प्यार की बदौलत जो आप कमेंट भेजते हैं मार्केट संवाद पर, और मार्केट संवाद चल देता है अपडेट दिखाने के लिए, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे पानी हो, चाहे ओले गिर रहे हों, हम आप तक अपडेट ज़रूर पहुंचाते रहते हैं। बस आपका प्यार यूँ ही बना रहे मार्केट संवाद पर, और कमेंट भेजते रहें और हमें बताएं कि हमारी रिपोर्ट कैसी लगी। आज महोत्सव का पानी बरसते में फिर नज़ारा देख सकते हैं किस हाल में है झांसी का महोत्सव। आप देख रहे होंगे दुकानों में पन्नी डालकर अपनी सुरक्षा की जा रही है। अगर लोग बाग प्रशासन की और महोत्सव मेला प्रशासन की बात मानता और मास्क लगाता रहता तो परमात्मा भी कृपा बरसाता रहता। बस एक दुकानदार अंकल सही है, बस ये। हम आप नहीं माने तो कोरोना की दस्तक बढ़ने लगी है, केस मिलने लगे हैं। परमात्मा ने भी सोचा कि कोरोना खतरनाक है और हमें झांसी वालों को बचाना है, इस वजह से उन्होंने भी अपनी कृपा बरसा दी। जब कृपा बरसा दी तो हम आप घर में तो रहेंगे और दूर दूर रहेंगे, क्योंकि बारिश में नहीं भीगेंगे और घर से नहीं निकलेंगे। वो तो हम हैं जो निकलते हैं आपके प्यार की बदौलत, जो आप कमेंट भेजते हैं और हम अपनी अपडेट आप तक पहुँचाते हैं। और आपके कमेंट से हमें एनर्जी, ताकत, हिम्मत मिलती है। तो बारिश हो या गर्मी हो, धूप हो, छांव हो, हम आप तक ज़रूर पहुंचाते रहते हैं। ये नज़ारा झांसी महोत्सव का है, पानी बरस रहा है। काफ़ी दूर दूर से दुकानदार आशा लेकर आए थे कि महोत्सव में हम चार पैसे कमाएंगे, और आप देख रहे हैं परमात्मा की कृपा कैसी बरस रही है। बस परमात्मा उतनी कृपा बरसा दे जितनी धरती पर ज़रूरत है। ज़्यादा कृपा बरसाने से नुकसान होगा, फसल को भी नुकसान होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं पन्नी से ढाके हुए हैं दुकानों को। अरे यार, आप जो देख रहे हैं ये सारे महोत्सव के दुकानदार हाथ पे हाथ धर कर बैठे हुए हैं, लाखों रुपया लगाया है आशा से कि हम झांसी महोत्सव जाकर कुछ कमाएंगे। परदेश में बड़े दूर दूर से दुकानदार आए हुए हैं इस बार, और आप नज़ारा देख सकते हैं। परमात्मा ने अपने बारिश की कृपा बरसाई है और दुकानदार कितने निराश हैं। अब परमात्मा के आगे किसी की नहीं चलती, निराश हों या खुश हों, ये तो झेलना ही पड़ता है। आप देख सकते हैं सन्नाटे में है मामला। अब मामला सन्नाटे में क्यों ना रहे, जो भगवान कृपा बरसा रहा है पानी की। लुधियाना की धूम मच रही थी महोत्सव में, पता नहीं किसकी नज़र लग गई। इन्होंने नज़र नहीं उतारी होगी दुकानों की, अपने धंधा करते चले जा रहे, पता नहीं कौन नज़र लगा गया होगा। अगर ये दुकानदार नज़र उतार देते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता।
बहुत कर्रे में धूम मचाए हुए थे लुधियाना के पूरे महोत्सव में, जब जलवा बिखेर रखा था उस जलवे पे निराशा देख सकते हैं आप। कीचड़ में भी छोड़ रहा आज, पानी बरसे कुछ भी हो हम आप तक अपडेट जरूर पहुंचाते रहेंगे। आपका प्यार है जो आप कमेंट भेजते हैं, और कमेंट में बता रहे थे हमारे सब्सक्राइबर सर जी आज भी पानी बरस रहा है, तो आज आप क्या अपडेट नहीं दिखाएंगे मार्केट संवाद पर, लेकिन हम अपने सब्सक्राइबर जितने भी चाहने वाले हैं हम उनको निराश नहीं करते, कुछ भी हो जाए हम कोशिश करते हैं आप तक अपडेट पहुंचाने की। और आज देख सकते हैं जैसे कि अभी तक दिखाई नहीं दिया, आज रंग बिरंगे मास्क दिख रहे होंगे, और जब मास्क दिखे तो पानी का नज़ारा आपके सामने दिख रहा है। ये आप देख सकते हैं झांसी महोत्सव का नज़ारा है, पानी भरा हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं सारे दुकानदार पन्नी से अपनी दुकानों को ढांके हुए हैं। क्या कहना चाहते हो भाई साहब, अब पानी का कह रहे हो बरस रहा है परमात्मा, पानी बरस रहा तो दुकानदार बहुत मायूस कह रहे लेके अपने वापस जाएंगे। अगर कुछ लग रहा था कि शायद मेला चलेगा अच्छा चलेगा, लेकिन पानी में सारी उम्मीदें मेले वालों की ख़त्म की हुई है। मेला तो अपने सवाब पर था और इसको हम कुछ नहीं कर सकते, परमात्मा की मर्जी है, परमात्मा की मर्जी के सिवा हम आपकी क्या चलती है। ये तो दुख सुख के जोड़े हैं, कभी ज़्यादा कभी कम, ये तो चलता ही रहता है, जीवन है, संघर्ष करना ही पड़ता है, धरती पर आए हैं तो संघर्ष ज़रूरी है। हम आप कर क्या सकते हैं, परमात्मा की कृपा है, परमात्मा अपनी कृपा बरसा रहा है। पता नहीं आप कमाते जा रहे थे, नज़र नहीं उतारी होगी कौन सा व्यक्ति नज़र लगा गया आपकी आपके चार चांद पर। अगर पानी बंद हो जाएगा तो आगे मेला अच्छा चलेगा, मेला चल रहा था, सवाब पे था, रंग पे था, रौनक थी, कमाने के आए थे, अब इस टाइम सवाब पूरी तरह से। हाँ तो अभी आज के बाद दो दिन की बात है, फिर सवाब पे चलेगा, परमात्मा को जितना देना है वो देगा, वो कहीं ना कहीं आपकी पूर्ति करा देगा, ऐसा नहीं है, निराश नहीं होइए। चारों तरफ मेले में पन्नी पन्नी का नज़ारा आप देख रहे होंगे, सब दुकानदार ही दिखाई दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं लुधियाना ढांक दिया गया है, लुधियाना वालों ने भी खूब जलवा बिखेर रखा था महोत्सव में, आज वो जलवा पन्नी के नीचे दबके रह गया। मार्केट संवाद चैनल हर वक्त आप तक अपडेट पहुंचाता रहेगा, अगर हमारी रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें मार्केट संवाद। जैसे ही लोग थोड़े महोत्सव में निकले थे शाम के वक्त, कुछ लोग देखे जा रहे होंगे, इसी समय बारिश हो गई है। मार्केट संवाद चैनल सारे महोत्सव के दुकानदारों से अपील करता है कि धैर्य रखिए, हिम्मत रखिए, परमात्मा को जितना देना है वो देगा, और आपकी भरपाई पता नहीं कहाँ कर दे, ये परमात्मा की मर्जी है, ईश्वर परमेश्वर की मर्जी है, उसके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। अगर आज वो बारिश आपको दिखा रहा है तो कहीं लाभ भी देगा, और निराश मत होइए, ये एक दो दिन की कृपा ही रहती है, सब दिन एक से नहीं रहते, ये बरसा पापड़ है जो आप देख रहे हैं, धूम मचाए हुए था और अभी भी इनकी धूम दिखाई दे रही है, अभी भी पापड़ खाने के लिए देख सकते हैं बारिश में लोग वहाँ खड़े हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, पापड़ सिक रहा है। अब बारिश में अगर ये नज़ारा ना देखें, देख सकते हैं कढ़ाई का, ट्रे का, प्लेट का, कॉकरी का सारा सामान आप देख रहे हैं, खुद पहुंच पहुंच के रख रहे हैं। एक आलम था कि इन्हें फुर्सत नहीं मिलती थी बेचने से, आज ये खुद पहुंच पहुंच कर रख रहे हैं, इसी को कहते हैं परमात्मा की कृपा। ये जो आप देख रहे हैं महोत्सव में पानी भर गया है, बारिश का नज़ारा है, और हम आप तक पहुँचाते रहेंगे अपडेट।
इनको समय नहीं मिलता था चाय पीने का, पकौड़े खाने का, तो बारिश में मज़ा ले रहे हैं। चाय की केतली रखी हुई है, ये लुधियाना है। अब आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू करते हुए, अब आ जाओ चाय पर चर्चा हो जाए। इनके जो कप रखे हैं, एक कप चाय के लिए बड़े सुंदर सुंदर कप आए हुए हैं महोत्सव में, जो दूसरों को खेल खिलाते थे, आज वो खुद मोबाइल पर देख सकते हैं, खेल खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं। इसी को कहते हैं सब दिन एक से नहीं होते। आप दूसरों को खेल खिला रहे थे, आज खुद लूडो खेल रहे हैं। ये नज़ारा बड़ा सुंदर नज़ारा है, कैसा सन्नाटे में है मामला महोत्सव का, मेले का। ये झांसी महोत्सव का नज़ारा है, और वास्तविक ऐसा लगता है जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि जब मेले लगे होते हैं और कलरम कलरम घोड़े चले आते हैं गब्बर के, और मेले को लूट कर चले जाते हैं, फिर बाद में लूटने के बाद नज़ारा किस प्रकार का होता है, वही नज़ारा आप देख रहे होंगे। अच्छा नमस्कार, पानी में मज़ा आ रहा है? पूरा पूरा। तो आओ, क्या घूमा क्या खाया? घूमा नहीं, दुकान ठुकी है, काम निपट गया हमारा। काम निपट गया? तो अब क्या है, काम करते ही रहते का? अब क्या करें, बुढ़ापे पे अब आराम भी कर लो। ये झांसी महोत्सव मेला कार्यालय है, जैसा कि आप देख रहे हैं, माल जो बनाया था कि आज मौसम चलेगा, महोत्सव चलेगा, और मौसम ने अपना जलवा दिखा दिया है। अचार बिस्कुट भी कह रहे हैं चीख चीख कर कि कोई आए और हमें खरीद कर ले जाए, और हम किसी के कप का सुंदरता बढ़ाएंगे। बिस्कुट भी देख रहे होंगे कितने निराश हैं बारिश से, बिल्कुल सिमटे हुए हैं। कभी रौनक बिखेरते थे अपनी, आज एक कोने में पड़े हुए हैं। अचार भी आप देख रहे होंगे, इसी को लोग पुराने लोग कहते थे मेला ठेला है। ये मेले का नज़ारा है झांसी का। मेला किस हाल में है, आपके सामने हाले दिल है मेले का, जो आप देख सकते हैं मार्केट संवाद पर। हमने आपको पूरा मेला दिखाया बारिश में, हमारी रिपोर्ट कैसी लगी? अगर हमारी रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें, और कमेंट कर हमें भेजें और बताएं कि हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, और हमारा हौसला बढ़ाएं, और हम फिर चल दें आपकी अपडेट बनाने के लिए। मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी।